आगे बच्चे हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान में। मेरे भाइयों, तो मेरी तरफ से सभी को राम राम, सलाम अलैकुम और सत श्री अकाल। मेरे भाइयों, आपका भाई आ गया है एक बार फिर से लोकेशन पर। मेरे भाइयों, आज की जो लोकेशन है वो है बाबा जी का मठ। और मेरे भाइयों, काफ़ी भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर मेरे भाइयों, और यूट्यूब के मेरे भाइयों कमेंट सेक्शन में भी मैसेज आ रहे हैं कि इरफान भाई आत्मा से बात क्यों नहीं हो पा रही है। तो मेरे भाइयों, आज मैं जो है वो आत्मा से बात करने की कोशिश करूँगा। आज मैं डायरेक्टली किसी भी मतलब कि जगह पे लोकेशन पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे भाइयों आज थोड़ी मेरी भी तबीयत ख़राब है और आज बाबा जी भी हैं। तो मेरे भाइयों, अब मैं सीधा आत्मा से बात करने की कोशिश करूंगा बाबा जी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे भाइयों, हम रोज़ बाबा जी के पास में आते हैं लेकिन कैसे भी आत्मा से बातें नहीं हो पा रही है। तो आज मैं आत्मा से बात करने के लिए आया हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि बहुत दिन हो गए। तो अब मैं सीधा जाऊँगा मेरे भाइयों बाबा जी की और मैं बाबा जी को आज कहूँगा कि मेरे बाबा जी आज मुझे कैसे भी करके आत्मा से बात करवाएं, क्योंकि मेरे भाई काफ़ी दिन हो गए हैं आत्मा से बात नहीं हुए। तो अब मैं ज़्यादा टाइमिंग का वेस्ट नहीं करूँगा मेरे भाइयों, क्योंकि भाई बोलते हैं कि इरफान भाई, कई बार भाइयों का मैसेज भी आता है कि इरफान भाई आप बोलते बहुत ज़्यादा, तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं बाबा जी के पास में जाता हूँ। बाबा जी हरिओम। हरिओम बच्चे। बाबा जी आज गुरुदेव नहीं दिख रहे हैं। अकोरे बाबा जी, अकोरे बाबा जी आज नदी किनारे गए बच्चे। अच्छा गुरुदेव नदी किनारे क्यों? बाबा जी हरिओम। नदी किनारे कुछ वो आत्मा है जी जी, आत्मा को तो वहाँ पे कुछ सोना है बच्चे। अच्छा सोना मतलब? सोना मत सोना। अच्छा सोना गोल्ड। अच्छा गुरुदेव गोल्ड। अच्छा बाबा जी भी कभी कभी मेरे भाई बहुत ही अच्छे मुझे लगते हैं बाबा जी, स्वामी जी आप बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे बाबा जी की। तो मतलब गुरुदेव वहाँ पर गोल्ड मतलब कि वहाँ पर सोना मतलब कोई दफन है यू? वहाँ पे बहुत बुरी आत्मा है। अच्छा वो सोने के टच भी कोई कर नहीं देता। अच्छा मतलब वो सोने की रक्षा कोई आत्मा है करती है वहाँ पे? आत्मा करती है बच्चे। अच्छा तो मतलब कि वहाँ पे मैं थोड़ा अटक जाता हूँ। अच्छा अच्छा मतलब गुरुदेव थोड़ा मेरे भाई थोड़ी इनको मतलब वो अकलाने वाली समा करे गुरुदेव। तो मैं मेरे सभी भाइयों को बता देता हूँ कि मेरे भाइयों बाबा जी थोड़े क्या है कि थोड़ी बाबा जी की जो जुबान है वो कभी कभी एकदम से चैट जाती है। तो आप सोचते होंगे कि जैसे बाबा जी ऐसे है वो, लेकिन बाबा जी का जो ब्रह्म ज्ञान है मेरा भाई बहुत ही अच्छा ज्ञान है। और बाबा जी जैसे कभी भी हम पर कभी भी गुस्सा नहीं होते, बाबा जी बहुत ही हमको प्यार से समझाते हैं, जैसे बाबा जी बच्चे समझ कर हमको रखते हैं मेरे भाइयों। तो गुरुदेव बाबा जी मतलब कि आज उस सोने के मतलब खुद मतलब उन आत्माओं को मतलब कि कुछ सोने की वो आत्मा है मतलब क्या मतलब बाबा जी किस के लिए गए उन आत्माओं के पास में? वो है ना बाबा जी इसलिए गए कि वो लोग को परेशान करती है वो आत्मा। अच्छा आत्मा अच्छा लोगों को परेशान करती है। परेशान करती है।
इसलिए मतलब लोग जाते होंगे बाबा जी सोने के लिए, तो इसकी वजह से आत्मा परेशान करते हैं। हमारे गुरु जी वहाँ पर गए नदी किनारे, नदी किनारे गए। ठीक है गुरुदेव, तो आप आज बुलाएंगे गुरुदेव आत्मा को, सरस्वती की आत्मा से बात करवा दीजिए या साक्षी की आत्मा से बात करवा दीजिए गुरुदेव। किससे करनी है, साक्षी से या सरस्वती से? सरस्वती से करवा दीजिए आज। ठीक है ना गुरुदेव? ठीक है बच्चे, मैं आपकी अग्नि लिखा देता हूँ गुरुदेव। ठीक है, आपने एक बार बोला था कि ये हमारा काम है तो ये हम ही करेंगे गुरुदेव, आप हमारे लिए इतना काम करते हो वो भी हमारे लिए बहुत है। ओम क्लीम चामुंडा, ओम चामुंडा क्लीम, ऑटोमेटिकली लग गई। ए मेरे भोलेनाथ, इस आत्मे को ला। मेरे बोले ना इस बच्चे को रक्षा करना, मैं सरस्वती को बुला रहा हूँ, आत्मा को बुला रहे बाबा जी। ओम चामुंडा क्रीम बच्चा, ए मेरे भोलेनाथ, सबकी बच्चा रक्षा करना। पीछे आवाज आई आपको? अच्छा भाई पीछे करो, पीछे हो रहा कोई कोई को है बाबा जी? पीछे कौन भाई? सरस्वती आ गई है बच्चे। ओम चामुंडा विश्व नमः। अच्छा भाई कैमरे में कैप्चर हो रहा है? हो रहा हो रहा। ओम चामुंडा नमः बाबा जी हमारे। अच्छा भाई इधर आइए। ओम चामुंडा विश्व नमः। ओम चामुंडा विश्व नमः। ए मेरे भोलेनाथ, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ओम चामुंडा विश्व नमः। ओम चामुंडा विश्व नमः। बता क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? बता साक्षी कहाँ पर है? क्यों बुलाया है मुझे? बता साक्षी कहाँ पर है? साक्षी कहीं पर भी हो तेरे क्या करना? मुझे बहुत कुछ पूछना है उससे। आराम सुना दो इंसानो, आराम बोला दो। मैं गोरी बाबा हूँ। बता बता साक्षी कहाँ पर है? ये मारी है चोर, छोड़ दे। बता बता साक्षी कहाँ पर है? साक्षी बुला साक्षी को, बता दे साक्षी को बुला। चार तुझे मैं इधर ही भसम कर दूंगा तुम इंसानों की वजह से। हम मारी गई बेबस औरतें। साक्षी जाओ बुला पहले, फिर मैं उससे पूछूंगा। ये बंद कर तेरा आवाज। नहीं मत पिकार बच्चा है, जल जाएंगे सकते नहीं तू। मैं खाली आपको पूछने आया हूँ, पूछने आया हूँ। मत कर बच्ची कौन भाई? बाबा बच्चा बच्ची बच्ची मत कर बच्ची, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी बच्ची। बाबा बच्ची, अच्छा बाबा
मत कर बच्ची, इंसानों को नहीं छोड़ूंगी। बच्ची बच्ची मत कर, बच्ची तू मत कर, बहुत बुरा होगा। ये बच्ची को बता मत कर। बाबा जी मेरी तरफ आ रही है। बच्ची मत कर, बच्ची मत कर, बच्ची बच्ची बैठ जा। बच्ची मत कर, बच्ची मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं खाली इतना पूछता था, मेरी बच्ची तू क्या चाहती है? मैं इंसानों से बदला चाहती हूँ। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार, दुष्कर्म किया है मेरे बाबा। तो सबने थोड़ी किया होगा। बच्ची बता, तुझे किसने मारा है? मुझे मारा, उसका नाम मनोज है। मनोज ने मारा? तो तू सबको क्यों मारना चाहती है? सबको क्यों मारना चाहती है? बता बता बता। उसको क्या हुआ बाबा जी? उसको क्या हुआ है? इसको नफीस को इसमें आ गई। बच्चे शान शान शान, बच्चे शान, बच्चे शान। तुम यहाँ पे को क्या लेने आए हो? बच्चे शान, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सब पागल हो गए हो? बच्चे शान, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। इरफान भाई नफीस में घुस गई है वो आत्मा, नफीस में घुस गई है। आप खड़े हो तो हो? बच्ची जान, बच्ची जान, बच्ची जान। किसने मारा मुझे? मुझे बस उसका मानना है। तब इसका बदला लेना। सबको क्यों मानना चाहती है तू? सबको क्यों मानना चाहती है? इसको मार। मुझे कोई मानने, जब मुझे मानने आया था कोई बेचारा नहीं आया था मुझे। सबको जो लोग तमाशा देख रहे थे। ओम चामुंडा विश्व नमः, ओम चामुंडा विश्व नमः। चल जा 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 चल जा। ओम चामुंडा विश्व नमः। ए मेरे चल दे, इस बच्चे को बचा ले। ओम चामुंडा विश्व नमः। बच्चे भाई मदद करो, बच्चे मदद करो। बच्चे चली गई है। हाँ भाई इरफान भाई बोलो, खड़ा हो जाए इरफान भाई। अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, इरफान भाई वीडियो बंद कर दे। बच्चे क्या हुआ? और ये हालत खराब हो गई बाबा जी, सिर के अंदर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मार दिया। बाबा जी चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे बाबा जी। अल्ताफ भाई जी कुछ वीडियो वीडियो बंद कर दो। अल्ताफ भाई वीडियो बंद कर देना मेरे भाई, और मुझे थोड़ी देर यहीं रखो। बाबा जी मदद करो। बोलते हैं श्यामा श्यामा जी, बच्चे
बच्चे की तो इरफान भाई की लगी है क्या यहाँ पे? मुझे भी कैसे लगी इतनी बहन की चीज गए आते तो गाइस इरफान भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वीडियो बंद करवा दो। तो गाइस इरफान भाई बोल रहे हैं वीडियो बंद करने का बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा जख्मी भी हो गए तो गाइस कल ही अब तो अलदा भाई वीडियो बंद कर दो। कल मिलेंगे मेरे भाई कल जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। इरफान भाई वीडियो बंद कर दूं? हाँ भाई बहुत जख्मी हो गए वीडियो बंद कर दो। हाँ भाई कल मिलेंगे मेरे भाई माफ करो मुझे कल मिलेंगे। अच्छा बच्चे अच्छा